हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आईआईटी जेम 2005 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एन इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक अलग से वीडियो ऐसी बनाई हुई है जहाँ पे हम जनरल फॉर्म में निकाल के बता रहे हैं कि इंटीग्रेटिव फैक्टर किस तरह से होता है। मैं इस वीडियो में इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालूंगा पहले इसका, और उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा। तो पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर एक्स से डिवाइड कर दें तो प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहां से हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे पी और क्यू जो है आर के एक्स के फंक्शन है, और ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में अगर हो तो हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर जो होता है वो होता है ई टू दी पावर पी डॉट डी एक्स। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास ई टू दी पावर 3x प्लस लॉग एक्स। अब ई टू दी, इसको तो हम ई टू दी पावर 3x डॉट ई टू दी पावर लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो ई टू दी पावर लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया एक्स डॉट ई टू दी पावर 3x, यानी ये जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया कि इंटीग्रेटिव फैक्टर ये है, बट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आए। इसका अगर सॉल्यूशन पूछ ले तो उस केस में इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इंटीग्रेटिव फैक्टर आ चुका है। तो अब सॉल्यूशन अगर निकालने की बात करें तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा वाई डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर ई टू द पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिव फैक्टर, यहाँ पे एक्स भी है, एक्स ई टू द पावर 3x, ये हो गया। और जो आर एच एस में ये ई टू द पावर माइनस 2x ऑफ dx, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से वाई डॉट एक्स ई टू द पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस 2x और ई टू द पावर 3x, तो ये रह गए ई टू द पावर एक्स ऑफ dx। अब फिर जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जनरल फॉर्म में फर्स्ट डॉट सेकंड रूल से करते हैं। तो फर्स्ट डॉट सेकंड रूल से करते हैं तो हमारे पास सिंपली x को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dx डॉट x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और इसका पूरे का इंटीग्रेशन, यानी कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर जो कंप्लीट आए उसका इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जब इसको हम लिखना चाहें तो ये हो सकता है वाई एक्स ई टू द पावर 3x इक्वल टू, अगर इसको देखो तो x और ई टू द पावर 3x, x ई टू द पावर 3x अपॉन 3, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा माइनस। अब इसकी बात करें तो डेरिवेटिव तो बना जाएगा ई टू द पावर, सॉरी 3 नहीं है, एक्स ही है, तो ये ई टू द पावर एक्स से आएगा ई टू द पावर एक्स माइनस, और यहाँ से ये बना जाएगा ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स आएगा, तो ये पूरी टर्म जो होगी ई टू द पावर एक्स आएगी, उसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर से तो ई टू द पावर एक्स, यानी ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आ गया प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब फ्रेंड्स, यहां से अगर हम y के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो y के फॉर्म में लिखने के लिए हमें x से डिवाइड करना होगा, e टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले गए तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर x x माइनस 1 डॉट e टू द पावर माइनस 3x अपॉन x प्लस c अपॉन x e टू द पावर माइनस 3x, यानी इस टर्म को हमने नीचे डिवाइड कर दिया इस टर्म को।
याद आएगा हमारे पास ये वाई बराबर इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स e टू द पावर माइनस थ्री एक्स। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बेसिकली जो हमें पूछा था क्वेश्चन में जो पूछा था ओनली इंटीग्रेटिव फैक्टर पूछा था जो हमने पहले ही बता दिया था, बट अगर सॉल्यूशन पूछता है तो इस कंडीशन में इस तरह से इसके सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।